Hey you guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel, then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos, then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड बाय यूट्यूबर्स. सो ये बहुत ही फेमस और वेल नोन यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं सालों से जानती हूँ. तो उनके रिकमेंडेशन पे मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं और वो मैंने अच्छे खासे यूज कर लिए हैं और वो मुझ पे कितना वर्क करते हैं और कितना नहीं करते हैं और किस किस के रिकमेंडेशन पे कौन से प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. ये आई थिंक आजकल के ट्रेंड में भी हो गया है. सो अगर आपको देखना इंटरेस्टेड है किस किस यूट्यूबर के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ओके यू गाइस, सो मैं फॉलो तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को करती हूँ, तो मैं सबके रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं करती. रिकमेंडेशंस मैं उन यूट्यूबर्स को ही मतलब सेलेक्ट करती हूँ जो एकदम ट्रस्टेड होते हैं मेरे. सो सबसे पहला रिकमेंडेशन है पैक का ये टेक कवर कंसीलर. सो दिस लुक समथिंग लाइक दिस. ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है, आई थिंक एक महीना हो गया है और मैंने इसको 7 से 8 बार यूज कर लिया है और ये एग्जैक्टली मेरे स्किन टाइप का है और इसमें जो मेरा शेड है वो है स्टार्क न्यूड. सो ये मुझे रिकमेंड किया है मानसी माओ ने. सो शी इज ऑल्सो अ यूट्यूबर, बहुत सालों से मैं इनको फॉलो करती हूँ. सो शी ऑलवेज यूजेस दिस पैक का कंसीलर ओनली 99% इन ऑल हर वीडियोज. सो आई थॉट मतलब बहुत टाइम हो गया है और उनकी अच्छी खासी डार्क पिगमेंटेड स्किन होती है जो कवर हो जाती है इससे. सो आई थॉट इवन आई ट्राई दिस एंड सी एंड दिस इज माइंड ब्लोइंग. ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज का है बट ये वर्थ है. आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है, 6.8 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी इसमें आपको मिल जाती है एंड ये आराम से जो कम मेकअप करता है उनके लिए तो आराम से ये 1 साल तक चल जाएगा. तो दिस इज एग्जैक्टली माई शेड, सो आई रियली रियली लव दिस रिकमेंडेशन. ओके, जो सेकेंड रिकमेंडेशन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो है न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजिंग लोशन और ये डर्मा वाइव का फेस वॉश. सो ये ऑब्वियसली मैंने मतलब अभी तो सारे यूट्यूबर्स ही बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने सबसे पहले जिसको इसके बारे में बात करते हुए सुना था शी इज शाई स्टाइल्स, साइमा दी को मैंने इसके बारे में बात करते हुए सुना था. स्पेशली ये मॉइस्चराइजर तो वो हर वीडियो में लगाते थे तो मुझे भी उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ गया और उसके बाद तो पूरा यूट्यूब पे चल रहा है तो मैंने सोचा अब तो उनको लेना बनता ही है. और आई रियली लाइक दिस कॉम्बो. आज भी मैंने मेकअप से पहले न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर और इसके साथ अपना फेस वॉश किया था एंड दिस इज अ ओटमील क्लेंजर. सो आपको फोम वगैरह का नहीं चांसेस है, कोई ज्यादा केमिकल्स नहीं है और ये जो लोशन है वो भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है. तो इन शॉर्ट आई लाइक दिस कॉम्बो. दे आर लिटिल प्राइसी बट आई थिंक दे आर वर्थ द एक्सपेंस. जो भी आप प्राइस पे कर रहे हो दे आर वर्थ द मनी. सो डेफिनेटली अगर आपकी कोई सेंसिटिव स्किन है या फिर आप कोई अच्छा क्लेंजर और मॉइस्चराइजर का कॉम्बो चाहते हो तो यू गाइस कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. ओके, सो इसमें यूट्यूबर्स का नाम रिकमेंड मतलब वापस भी हो सकता है क्योंकि कुछ कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके कई सारे रिकमेंडेशंस पे मैंने प्रोडक्ट्स खरीदे और वो मेरे को काम भी करते हैं. सो उसमें से एक है निधि कटियार. सो उनके साथ मेरी एक ऑनलाइन सेशन भी हुई थी, वर्कशॉप मैंने उनका अटेंड किया था एंड शी इज वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल. सो उनका फर्स्ट रिकमेंडेशन था ये स्विस ब्यूटी का मेकअप कंसीलर, सॉरी स्विस ब्यूटी का ये प्राइमर. सो दिस इज अ हाइलाइटिंग प्राइमर, मतलब इल्यूमिनेटिंग प्राइमर कह सकते हो. ये स्ट्रोक क्रीम का और प्राइमर का दोनों का साथ ही काम करता है. ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये वरदान के बराबर है, ये आपके पूरे के पूरे स्किन को ग्लो कर देगा एंड या आई लाइक दिस टू यूज बिफोर माई फाउंडेशन या कभी मैं फाउंडेशन के साथ भी इसको लगा लेती हूँ. सो या मैंने मतलब हाफ जितनी काली कर दिया है. सो निधि दी ने ऑलमोस्ट सारे वीडियोज में इसको रेकमेंड किया है, उसके बाद मेरा भी बहुत मन हो गया था लेने का एंड आई रियली रियली लव दिस. इसके बिना मैं मेकअप कर ही नहीं पाती, मतलब मेकअप करने से पहले मुझे ये वाला चीज दिखना बहुत जरूरी है. सो अगर आपको भी ड्यूई मेकअप करना अच्छा लगता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो अ ड्यूप्लीकेट फॉर द मैक स्ट्रोक क्रीम,
वो तो 1000 रुपए जितने का मिलता है, या आपको 200 रुपए तक का मिल जाएगा. सो या यू कैन डेफिनेटली. द थर्ड रिकमेंडेशन इज वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स, शी इज मालविका सिटलानी. एंड उनकी रिकमेंडेड लिपस्टिक है ये, विच इज स्मैश बॉक्स की ये मिनी लिपस्टिक. उन्होंने आई थिंक कोलैब किया था स्मैश बॉक्स के साथ, दो मिनी लिपस्टिक्स के साथ. वन वॉज बेब अलर्ट एंड अनदर वन वॉज ड्राइवर सीट. सो बेब अलर्ट जो मेरा खो गया है अनफॉर्चुनेटली, एक ट्रिप में मैं गई थी एंड वहाँ मेरा सामान खो गया था, तो उसमें बेब अलर्ट था. सॉरी, इसमें हाँ उसमें बेब अलर्ट था. सो ये वाला मेरे पास है ड्राइवर सीट एंड आई रियली रियली लव द फॉर्मूला ऑफ दिस लिपस्टिक. मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने लिपस्टिक लगाया हुआ भी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. ये मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे. सो या मालविका की रिकमेंडेशन पे लिया है एंड आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट बाइंग दिस. सो अब मालविका की एक और एक रिकमेंडेशन है तो मैं साथ में बताना चाहूँगी. सो विच इज़ दी मेबलिन फिट मी का ये ब्लश ऑन. सो दिस लुक समथिंग लाइक दिस. मेरा शेड इसमें पिंक लिखा हुआ, आई डोंट नो, बहुत सारे शेड्स हैं. तो दिस इज लाइक अ वेरी टाइनी ब्लश. सो उनका एक टॉप 5 फेवरेट, टॉप 10 ब्लशेस का उन्होंने वीडियो बनाया था, जिसमें अफोर्डेबल ब्लशेस में उन्होंने इस ब्लश की बात की थी. तो उस टाइम पर मेरा थोड़ा मन हो गया था लेने का, क्योंकि उन्होंने उसको लगा के दिखाया था तो उसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे. सो टाइनी भी था और मुझे टाइनी टाइनी चीज़ें ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है. सो आज मैंने वही वाला ब्लश लगाया हुआ है. सो इसकी कवरेज जो है थोड़ी सी कम है, आपको धीरे धीरे बिल्डअप करनी पड़ेगी. आई थिंक कैमरा में दिख नहीं रहा, बट रियलिटी में बहुत ही अच्छा ब्लश है और बिल्कुल मैट है. थोड़ा सा भी आपको शीन वगैरह नहीं मिलेगा. सो जिनको मैट ब्लशेस का शौक है वो इसको डेफिनेटली ट्राई करें. इसके बाद एक और एक मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंसीलर्स की मैं बात कर रही हूँ, विच इज़ दी मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड करेक्टर मल्टी यूसेज कंसीलर. सो दिस इज लाइक एन ओजी कंसीलर, कौन नहीं जानता इसके बारे में. सो इसको मुझे खरीदते हुए 3-3.5 साल हो गए. तो सबसे पहले मैंने इसको देखा था कौशल ब्यूटी को यूज़ करते हुए. उन दिनों में उनके मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर थे. अभी उनका कम हो गया, लेकिन बैक इन द डे मैं कौशल ब्यूटी के सारे मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती थी. तो उन्होंने सारे के सारे वीडियोज़ में ये वाला कंसीलर लगाया हुआ था और शी यूज़ टू रेव अबाउट दिस कंसीलर. तो उस टाइम पर मेरे को भी था कि मतलब मैं नया नया मेकअप खरीद रही थी, सीख रही थी. सो आई वॉन्टेड टू गेट दिस एंड इनमें इसमें मेरा शेड है 144 कैरमल. दिस इज एग्जैक्टली माई स्किन टाइप. सो जब मैं बैक इन द डे ऑफिस जाती थी तो मैं इस कंसीलर को हल्का हल्का अपने डार्क पिगमेंटेड एरिया पे लगा देती थी और मेरे पूरे फेस को ये इवन कर देता था. यही है कि ये थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, काश थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट मिले तो. बट स्टिल ये मेरा आई थिंक 3rd या 4th बाई है इस कंसीलर का और मैं इसको जिंदगी भर खरीदती रहूंगी, बिकॉज इसका फॉर्मूला जो बिल्कुल फेवरेट है, जल्दी ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है और मेरी स्किन के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट मैच है. सो दिस इज दी नेक्स्ट ट्रैक. ओके, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो भी एक लिपस्टिक है. दिस इज दी मेबलिन न्यूयॉर्क की सेंसेशनल मैट लिपस्टिक है आई थिंक. और इसमें जो मैं शेड में हूँ 657 न्यूड न्यूएंस. सो दिस इज वन ऑफ द फेमस शेड इस रेंज में ही पूरा. बहुत चर्चा हो रखा है शेड का, विच लुक समथिंग लाइक दिस. मैंने 3 लिपस्टिक्स लगाई, उसमें से एक शेड ये भी है. सो इसको काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था, लेकिन सबसे पहले मैंने जिसकी रिकमेंडेशन देखी थी वो थी कोमल गुडन फ्रॉम सुपर स्टाइल टिप्स. सो उनको भी मैं काफ़ी सालों से फॉलो करती हूँ और उन्होंने एक आध वीडियो 2 साल पहले डाला था जिसमें उनकी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक्स की उन्होंने बात करी थी. सो उसमें से मुझे ये वाला जो शेड है काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था, तो दैट टाइम आई गॉट दिस शेड. सो तब से मैं आज तक इसका लगाती हुई आ रही हूँ. आप देख सकते हो कि इतनी सी लिपस्टिक रह गई है, मतलब इतनी सारी मैंने यूज़ कर रखी है. 2 साल हो गया था मुझे इसको लेके एंड आई रियली रियली लव द फॉर्मूला. ऑब्वियसली अगर आपको मैट करना होगा इस लिपस्टिक को तो आपको पाउडर लगा के मैट करना पड़ेगा. ये सेमी मैट होती है, आराम से ट्रांसफ़र भी हो सकती है. सो या बट स्टिल शेड मुझे अच्छा लगता है. सो उसके बाद एक दो प्रोडक्ट्स की मैं साथ में बात करना चाहूँगी. वन इज़ दिस मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर एंड इन द शेड 25 मीडियम, which looks something like this. And the another product is Swiss Beauty का ये concealer. So Swiss Beauty का concealer तो काफ़ी famous है अभी, लेकिन मैंने इसको खरीद के 1 साल से ऊपर हो गया है. इसको मेरे को 6 मंथ हो गए, लेकिन ये दोनों मैंने Shy Styles साइमा के recommendation पे ही खरीदा था. पहले मैंने इसको खरीदा था और उसके बाद ये. सो साइमा ने इसके सिवाय एक और प्रोडक्ट भी जो साइमा ने रिकमेंड किया था, विच इज दी मिलानी का फाउंडेशन. सो इसमें मेरा शेड है
जीरो टू नेचुरल। सो ये मेरे स्किन टोन से हल्का सा लाइट बोल सकते हैं, बट मैं डार्क फाउंडेशन मिक्स करके काम चला लेती हूँ। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स मुझे साइमा ने, मुझे मतलब उन्होंने अपने वीडियोस में साइमा ने रेकमेंड किया था। स्विस ब्यूटी के कंसीलर के बारे में तो वो बहुत क्रेजी थे, उन्होंने सारे वीडियोस में वही यूज कर रखा था, और ये फाउंडेशन भी बैक इन द डे वो बहुत यूज करते थे, तो इसको लेके भी मुझे एक साल हो गया था। और फिटमी का पाउडर उन्होंने पहले रेकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद मैंने और भी यूट्यूबर्स को बात करते हुए सुना उसके बारे में, सो आई थॉट कि लेट्स इन्वेस्ट इन अ गुड लूज पाउडर। उससे पहले मैं ADS का पाउडर यूज करती थी, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बट हाँ इसकी कवरेज तो कुछ अलग ही लेवल पे है। तो ये तीनों भी शाई स्टाइल नहीं रेकमेंड। सो लास्ट एंड फाइनल दो प्रोडक्ट्स है जो फिर से निधि कटियाल के रिकमेंडेशन पे मैंने खरीदा है। मैंने निधि कटियाल से उनके रिकमेंडेशन से काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदे। मैं सिर्फ आपको टॉप प्रोडक्ट्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि वो अफोर्डेबल कैटेगरी की क्वीन है, तो उन्होंने अफोर्डेबल कैटेगरी में काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उनका खुद का ब्रांड भी है कप्स एंड लैशेस, उसके भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं इसमें जो मेन फेवरेट चीज है वही बता रही हूँ। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईब्रो डिफाइनर वाटर असिस्टेंट पेंसिल, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। एंड द नेक्स्ट वन इज मार्स का मस्कारा। सो ये दोनों फिलहाल मैंने अपने अभी लगाया हुआ है, सो इसी से मैंने अपने आईब्रोज किए हैं। आप देख सकते हो कितना ज्यादा नेचुरल लग रहा है, और मास्क का मस्कारा मैंने अभी लगाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली फॉल्सीज है तो आपको इतना नजर नहीं आएगा। सो दिस मस्कारा इज जस्ट फॉर ₹170 or ₹150 समथिंग, एंड क्या बोलूं मैं, ये बड़े बड़े एक्सपेंसिव मस्कारास को टक्कर दे सकता है। काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, काफ़ी अच्छी वॉन्ट है इसकी, और ये जो वॉक फ्री आईब्रो पेंसिल है ये ₹75 का ही है। तो मेरे पास मेबलिन का फैशन आईब्रो पेंसिल भी है, वो भी ग्रे कलर का ही है, बट वो पेंसिल में है तो आपको शार्प करना पड़ता है। वो कुछ ₹300 से भी ऊपर का है वो, और अगर इसको मैंने कंपेयर करके देखा ना तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और मस्कारा में भी मैं यही कहना चाहूंगी। सो या ये दोनों मैंने निधि कटियाल के रिकमेंडेशन से। सो यस गाइस, दीज आर द रिकमेंडेशंस व्हिच आई बॉट फ्रॉम यूट्यूबर्स। मैंने और भी रिकमेंडेड चीजें ली होगी आई थिंक, बट कुछ कुछ चीजें मेरे पे वर्क नहीं कर रही थी और कुछ खत्म हो गई है, तो मैं फिर से खरीदी नहीं हूँ, और कुछ मुझे याद ही नहीं कि मैंने किसके रिकमेंडेशन से खरीदा था, रैंडमली किसी का वीडियो देखा और खरीद लिया, तो उनको मैंने इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूले, हैंडल स्क्रीन पे दिख जाएंगे और लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होंगे। So I'll see you soon in my next video. Until then, take care, stay home, stay safe, and keep loving my videos. Bye-bye.